नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। बेटा, ये वीडियो होने वाली है राजस्थान वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से क्लास 12th में और उनके पास है चित्रकला विषय। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 दक्षिणी चित्रकला शैली, जानेंगे दक्षिणी चित्रकला शैली को और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं तो आपको शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह से अपनी बाकी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के लिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए, मॉडल टेस्ट पेपर के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए और इसके साथ ही साथ एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं बेटा। तो बेटा, इस वीडियो में आप लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 दक्षिणी चित्रकला शैली। इससे पहले आप लोगों का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 मैं अपलोड कर चुकी हूँ शिक्षा प्रवाह पर। उसका लिंक उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं हम हमारा पहला प्रश्न, योगिनी की दक्षिणी पेंटिंग की अनोखी विशेषताएँ क्या क्या हैं। उन कलाकारों के बारे में पता कीजिए जो इन दिनों इस प्रकार की रचनाएं बना रहे हैं। तो एक चित्र है योगिनी, जो कि दक्षिणी कला शैली के दौरान बनाया गया था, उसके बारे में आपको बताना है, उनकी विशेषताओं को बताना है और वो कलाकारों के बारे में तुम्हें बताना है कि कौन से कलाकार हैं जो योगिनी की तरह कला शैली में अपने चित्र बना रहे हैं। तो योगिनी एक दक्षिणी पेंटिंग है, एक स्त्री की पेंटिंग है। इसका विश्वास योग में है। शारीरिक और भावनात्मक प्रशिक्षण का अनुशासित जीवन ये योगिनी जीती है। आध्यात्मिक एवं बौद्धिक अन्वेषण करती है और सांसारिक वस्तुओं का परित्याग कर कीर्ति अर्जित करती है। इस तरह का कुछ कैरेक्टर है योगिनी का, जो चित्रकार ने बनाया है। इस पेंटिंग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें कि नंबर 1 पर आप दे सकते हो कि एक लंबी खड़ी आकृति, मतलब जो योगिनी है उसको खड़ी आकृति के रूप में चित्रकार ने बनाया है। चित्रकार ने एक लंबी रचना को महत्व दिया है, यानी कि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स, मतलब काफ़ी सारी एक तरह से प्राकृतिक सौंदर्यता को यहाँ पर कलाकार ने इस चित्र में दिखाया है। योगिनी चित्र में योगिनी के ठीक ऊपर सफ़ेद रचनाओं को प्रदर्शित किया गया है, ताकि चित्र को सतत संकीर्ण होते दृश्य के रूप में देखा जा सके। इसी के साथ योगिनी का जो सीधा हाथ है, उसके सीधे हाथ में सीधे हाथ के ऊपर एक जो मैना पक्षी है उसको बैठाया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जो योगिनी है वो उस मैना पक्षी से बातचीत कर रही है। बहुत ज़्यादा ध्यानमग्न योगिनी को चित्रित किया गया है। इसी के साथ साथ बहुत सारे आभूषण योगिनी को पहनाए गए हैं। बालों का जूड़ा इस तरह से बंधा हुआ है, क्योंकि वो सर के बिल्कुल ऊपर है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो वो महिला है जिसका नाम योगिनी है, उसकी हाइट भी थोड़ी बढ़ गई है। लंबे दुपट्टे योगिनी के शरीर के चारों ओर तालबद्ध गोलाई के साथ लहराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। योगिनी का शरीर चारों ओर से खूबसूरत वनस्पतियों से घिरा हुआ है और बहुत अच्छा परिदृश्य ये देखने में लगता है। तो ये थी उसकी विशेषताएं। अब बात की जाए कि कौन से कलाकार हैं जिन्होंने इस तरह से चित्र बनाए हैं, जिस तरह से योगिनी का चित्र बना है। तो उसके अंदर अवनींद्रनाथ ठाकुर, जिनको कि हम अवनींद्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हुआ करते थे, मतलब वो चाचा लगते थे रविंद्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ के। तो दूसरे आर्टिस्ट हैं अब्दुल रहमान चगुतई, यामिनी राय, मृता शेरगिल और बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे, कुछ इस तरह के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने योगिनी के जैसे चित्र बनाए हैं। अब जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो है योगिनी का चित्र। ये देखिए, ये वो महिला और ये जूड़ा, वही जूड़ा जो इस महिला की हाइट को बढ़ा रहा है, जो इसकी विशेषताओं में दिखाया गया है। ये सीधे हाथ में मैना बैठी हुई है, जिससे बातचीत करती हुई योगिनी नजर आ रही है। इसी के साथ ही साथ आसपास ये प्रकृति आपको दिख रही होगी, जो कि एक शानदार दृश्य इस चित्र में प्रस्तुत कर रही है। ये इसके दुपट्टे हैं जो लहरा रहे हैं हवा में और गोलाई में बंधे हुए हैं।
ये कुछ विशेषता थी योगिनी चित्र की। अब ये चित्र कहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ का है? तो ये बीजापुर राजस्थान याद आ रहा है, दक्षिणी कला केंद्र है एक बीजापुर, जहाँ पर 17वीं शताब्दी में ये योगिनी चित्र बनाया गया है। द चेस्टरबेरी लाइब्रेरी डबलिन जो कि आयरलैंड में है, और ये एक संग्रहालय है। द चेस्टरबेरी लाइब्रेरी में ये वाला चित्र सुरक्षित है। कौन सा? योगिनी। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा गया है। दक्षिणी शैली में चित्रित किए जाने वाले चित्र की लोकप्रिय विषय वस्तु क्या है, यानी कि जो चित्र दक्षिणी शैली में बनाए गए हैं उनका क्या विषय था, किन विषयों पर अधिक चित्र दक्षिणी कला शैली में दक्षिण कलाकारों ने बनाए हैं, और कुछ चित्रों का आपको उनमें से वर्णन करना है। पहले बताना है विषय वस्तु। तो इनका जो लोकप्रिय विषय वस्तु थी वो है, नंबर 1, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महापुरुषों का चित्रण। जो धार्मिक महापुरुष थे और जो ऐतिहासिक पुरुष थे, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कारनामे किए थे, कुछ ऐसे साहसिक चीज़ें की थी, तो उनका चित्रांकन दक्षिणी शैली में किया गया है। इनको एक तरह से वर्णात्मक परिचयात्मक दृष्टि से, मतलब उनके कारनामों को, मतलब उनके साहसिक कार्यों को भी उनके साथ साथ चित्रित किया गया है। सेकंड है बेटा, दक्षिणी शैली में अत्यधिक परिष्कृत एवं अनूठी दरबारी चित्रकला का विकास हुआ। दूसरा टॉपिक है दरबारी चित्रकला। राजा महाराजाओं का दरबार किस तरह का होता था, किस तरह की साज सज्जा होती थी, तो उसका जो है चित्रांकन दक्षिणी कला शैली में किया गया है दूसरे नंबर पर। तीसरा, घनीभूत रचना एवं प्रणय की उत्पत्ति के भाव को अधिक महत्व प्रदान करती है, और ये किस कारण होती है, प्राकृतिक दृश्यों के कारण। ठीक है, नंबर 4 है, दक्षिणी शैली की चित्रकला की अमूठी कामुकता तथा गहरे रंगों का प्रयोग क्षेत्रीय सौंदर्य शास्त्र की गहराई से जुड़ाव रखते हैं। कौन सी विशेषता बताइए? इन्होंने गहरे रंगों का प्रयोग, गहरे रंगों में बेटा कौन कौन से रंग आ जाते हैं, जैसे कि ब्राउन कलर, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, तो ये गहरे रंगों का प्रयोग जो है दक्षिणी कला शैली में अधिक मात्रा में किया गया है। इसके अलावा दक्षिणी चित्र शैली में पेड़ पौधे पक्षी जानवर इन सबको चित्रित किया गया है। अब जो कुछ चित्र हैं जिनको हमें बताना था, कि पहले तो विषय वस्तु बतानी थी फिर कुछ चित्र बताने थे, तो सबसे पहले है एक दीवानी हाफिज में समाहित 5 लघु चित्र। दीवाने हाउस में समाहित गोलकुंडा शैली के 5 लघु चित्र एक युवा शासक के दरबार के दस्तों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये दीवाने हाफिज क्या है? एक ग्रंथ है। ठीक है, जैसे राजस्थानी शैली में 12 मासा पर चित्र बने हैं, तो 12 मासा क्या है? 12 महीनों पर आधारित एक कृत्य, एक मतलब पुस्तक है जिसमें 12 मास से रिलेटेड चित्र हैं, या महाभारत पर आधारित चित्र हैं, या रामायण पर आधारित चित्र हैं। तो इसी तरह से दीवाने हाफिज एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में चित्र बने हुए हैं, 5 लघु चित्र बने हुए हैं। इसका विवरण हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस चित्रों में शासक जो है, यानी कि जो राजा है, उसको सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसमें एक विशिष्ट रूप से लंबी सीधी दक्षिणी तलवार को पकड़ा हुआ है। शासक को सफ़ेद कोट पहन करके दिखाया गया है, जिस पर कसीदाकारी यानी कि एक तरह से डिज़ाइन बने हुए हैं, खड़ी पट्टियां बनी हुई हैं। सभी 5 चित्रित पन्ने सोने से मंढे गए हैं। नृत्यांगनाएं शाही मेहमानों का मनोरंजन कर रही हैं, मतलब जो दरबार दृश्य है वहां पर कुछ नृत्यांगनाएं नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। फर्श पर बारीकी से डिज़ाइन बनाए हुए गलीचे भी बिछे हुए चित्रकार ने दिखाए हैं। इसमें बैंगनी रंग का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया गया है, और जानवरों को नीले रंग से दिखाया है। अगर हम यहाँ पर लोमड़ियाँ भी देख रहे हैं, तो वो लोमड़ियाँ भी नीले रंग से चित्रित की गई हैं। सेकेंड चित्र जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे वो है मोहम्मद कुतुब शाह। 1611 से 1626 के बीच इस चित्र को बनाया गया है, जिसमें वे दीवान पर बैठे हुए हैं। गोलकुंडा शैली की विशिष्ट, जो गोलकुंडा शैली की विशेषता रखती है, इस तरह की पोशाक कुतुब शाह ने पहनी हुई है। सर पर एक सुंदर टोपी धारण की हुई है।
इसकी रचनात्मकता, इस चित्र की रचनात्मकता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, तो यह चित्र असाधारण ऊर्जा एवं संवेदनशीलता से ओतप्रोत है। घोड़े के पैर तथा पूंछ को गहरे चमकदार लाल रंग से दिखाया गया है। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह के वस्त्रों में हवा को मतलब एक तरह से उड़ते हुए, हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है। लयात्मकता का प्रयोग चित्रकार ने इस चित्र में किया है। इसके अतिरिक्त गहन जंगल के वृक्षों की पत्तियां जैतून के गहरे रंग, पन्ने के समान हरे रंग की, कोबाल्ट जैसे नीले रंग की, जैसे कि हम लोगों ने क्या ही देखा है ना कि दक्षिणी शैली में जो चित्र बने हैं वो सारे के सारे ऐसे गहरे रंगों से बने हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, गहरा हरा रंग है ना, कोबाल्ट जैसा नीला रंग, तो इस तरह के चित्र यहाँ पर बने हैं। पृष्ठभूमि में सारस को यहाँ पर चित्रित किया गया है और सूर्य की रोशनी से सुनहरा नीला आकाश जो है वो चमक रहा है। इस प्रकार की पृष्ठभूमि में सफ़ेद बाज और सुल्तान का नज़ाकत के साथ चित्रित चेहरा मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। घोड़े तथा चट्टानों के चित्र में पर्शियन प्रभाव देखा जा सकता है। पेंटिंग के पूरे भाव में स्थित पौधे तथा घना भूदृश्य स्थानीय प्रेरणा को दर्शाते हैं। अब यही वाला चित्र आप लोग यहाँ अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, तो देखिए ये हैं पेड़ पौधे और ये हैं वो सारस जिनकी बात की गई है, और ये हैं वो शासक जिन्होंने सर पर टोपी पहनी हुई है और सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं जो कि हवा से लहरा रहे हैं, और आसपास ये आप लोगों को दिख रहा है प्रकृति और ये लोमड़ियाँ। तो ये है चित्र आदिल शाह का। अब प्रश्न नंबर 3, 3 प्रश्न में आपसे पूछा गया है आपकी पसंद की दक्षिणी शैली की किन्हीं 2 पेंटिंग पर 100 शब्दों में एक टिप्पणी लिखिए। तो 100 शब्दों को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी शैली की कोई भी 2 पेंटिंग हमको एक्सप्लेन करनी है। तो समझिए हम एक्सप्लेन करते हैं हज़रत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का चित्र। तो बहुत ज़्यादा फेमस चित्र है ये दक्षिणी शैली का, जो कि हैदराबाद कला केंद्र से मिला है। इस चित्र में सूफी संत हज़रत निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्य हज़रत अमीर खुसरो से संगीत सुन रहे हैं, और ये दोनों जो हैं एक छत पर बैठे हुए हैं, छत पर बैठे हुए चित्रित किया गया है। सादगी से सिंपल चित्र है, सादगी से परिपूर्ण है, दरबारी चित्रकला की तकनीक एवं कलात्मक परिष्करण से पूर्णतः मुक्त है। मतलब जो दरबारी शानो शौकत है वो चीज़ें नहीं है, ये लोग फर्श पर बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी ये चित्र बहुत ज़्यादा आकर्षक है और ये भारतीय विषय वस्तु को दिखाता है। अगर आप ध्यान से इस चित्र को यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, ये एक छत का दृश्य है जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया साहब है उनके सर के पीछे ये प्रकाश पुंज भी है, जो कि एक भारतीय विशेषता को दिखाता है। इसके अलावा इनके वस्त्र जो हैं वो गहरे हरे रंग से चित्रित किए गए हैं, और ये अमीर खुसरो साहब हैं जो उनको संगीत सुना रहे हैं। और ये देखिए, ये एक छत है और इस छत पे ये नीचे एक कालीन बिछा हुआ है जिसके ऊपर इनको दिखाया गया है। पास ही एक बड़ा सा पेड़ है जो कि छत से हमें दिख रहा है, मतलब छत पे उगा हुआ नहीं, छत के पीछे से ये हमको दिख रहा है। जो दूसरा चित्र हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे वो है पोलो खेलती हुई चांद बीबी, और ये वाला चित्र भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये बीजापुर का चित्र है और बीजापुर की जो रानी है चांद बीबी, उन पर आधारित है ये वाला चित्र, उनको इस चित्र में चित्रित किया गया है। वो एक बहुत अच्छी शासक तो थी ही, और इसके साथ ही साथ वो एक अच्छी खिलाड़ी भी थी, और वो पोलो खेलना जिसको कि हम चौगान कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा निपुण थी। ये घोड़े की पीठ पर बैठकर खेलने वाला एक खेल है जिसके अंदर एक छड़ी के माध्यम से एक गेंद को गड्ढे में गिराया जाता है, और ये उस समय का बहुत ही ज़्यादा ऐसे फेमस खेल हुआ करता था। तो ये 2 चित्र, चित्र की अग्रभूमि में एक सरोवर में कमल खिले हुए हैं, अग्रभूमि यानी चित्र के आगे,
मध्य भाग में हल्के पीले हरे रंग से ऊपर नगरीय संरचना आकाश चित्रित है। स्त्री आकृतियों को अत्यंत कोमल और कांतियुक्त रंगों से दिखाया गया। ये देखिए, ये है वो चित्र। यहाँ पर ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये मार्गदर्शक कर रहा है, मतलब एक तरह से इनको गेम खिला रहा है। और यहाँ पर ये आप लोगों को आकृतियाँ दिख रही हैं। ये सभी महिलाएं अपने अपने घोड़ों पर हैं, सबके अपने अलग घोड़े हैं और हर घोड़े का रंग अलग है। हर महिला का लिबास में अंतर है, ठीक है। लिबास में अंतर है किसका? रंगों का। कपड़े एक ही जैसे पहने हैं, बशर्ते उनके रंग अलग अलग हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चित्रकला की दक्षिणी शैली मुगल शैली से किस प्रकार अलग है, है ना? कौन कौन से कारण हैं जिससे कि दक्षिणी शैली का मुगल कला के को लेकर के अपना अलग ही अस्तित्व है। तो भारत में मुगल चित्रकला जो थी वो 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में मतलब एक तरह से उद्भव हुई, बनी और चित्रकारी हुई। तो मुगल चित्रकला का जो रूप है वो फारसी और भारतीय है, मतलब मुगल कला करते एक तरह से देखा जाए तो भारतीय कला और फारसी कला का मिश्रण है। इसी के साथ ही साथ सांस्कृतिक पहलुओं का संयोजन भी इसमें मुगल कला में देखा जाता है। मुगल कला की चित्रकलाओं में घटनाएं, चित्र और अदालतों के जीवन के दृश्य है। घटनाओं से मतलब जो भी उन दिनों घटनाएं होती थी उनको चित्रित किया जाता था। अदालत यानी कि दरबारी चित्र, है ना, अदालत से जो दरबार लगता था उसके चित्र बनाए जाते थे। शिकार के दृश्य बनाए जाते थे, जंगली जीवन यानी कि, और जो युद्ध पे वो लोग जाते थे उसके चित्र वहाँ पर बनाए जाते थे मुगल कला में। अब दक्षिणी कला में क्या होता था, ये सब तो मुगल की बात है। तो दक्षिणी जो चित्रकला है वो मुगल कला से पहले 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना के दौरान विकसित हुई, जिसको हम डेक्कन कला बोल देते हैं। दक्षिणी पश्चिमी भारत के बीच में इसको ये वाला एरिया पड़ता है, दक्षिणी और पश्चिमी भारत के बीच में, ठीक है। और इसको हम डेक्कन या दक्षिणी शैली भी बोलते हैं। मुगल चित्रकला अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान अपने मतलब असली रंग में आई। जैसे अकबर ने बहुत सारे चित्र बनवाए, बहुत सुंदर चित्र जहांगीर ने बनवाए और शाहजहां ने बहुत सारी मुगल इमारतों का निर्माण कराया, जैसे कि लाल किला, जामा मस्जिद, ये दोनों दिल्ली में आप लोग देख सकते हैं, है ना, ताजमहल आगरा में देखा जा सकता है। तो और इस सबसे बढ़िया जो चित्र बनवाए थे, ये तो हो गई मतलब इमारतों की बात, लेकिन जहांगीर ने बहुत ही सुंदर चित्र अपने समय में बनवाए थे और शुरुआत जो हुई थी वो लगभग अकबर के समय से हुई थी। दक्षिणी शैली दक्षिण सल्तनत के संरक्षण में विकसित हुई थी और जो इसके प्रमुख केंद्र थे वो थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। ये वाले राज्य थे जहाँ पर दक्षिणी शैली से संबंधित चित्र हमें देखने मिल सकते हैं। अब जो मुगल कला है उसके अंदर जो गिरावट आई वो औरंगजेब के समय से गिरावट आनी शुरू हो गई थी। औरंगजेब एक तरह से चित्रकला विरोधी, कला विरोधी शासक थे, जिनको ये सब पसंद नहीं था, तो उन्होंने चित्रकारों को मरवा दिया, भगवा दिया, अपने राज्य से निकाल दिया, इमारतों को तुड़वा दिया गया, चित्रों को जला दिया गया। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में थोड़ा सा, जब औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह का टाइम आया तो थोड़ा सा उत्थान हुआ चित्रकला में, लेकिन लास्ट तक आते आते, शाह आलम के समय तक आते आते मुगल शैली जो है वो एक तरह से विलुप्त हो गई थी और राजपूत शैली यानी कि जो पहाड़ी कला जिसको हम बोलते हैं एक तरह से, उसने इसका स्थान ले लिया था। राजपूत शैली जो है बेटा, ये दो तरह से है, एक तो राजस्थानी शैली और दूसरा पहाड़ी शैली। इन दोनों कलाओं के मिश्रण को राजपूत कला बोला जाता है। लेकिन राजस्थानी शैली तो मुगल कला के साथ ही साथ चल रही थी, है ना, लेकिन जो पहाड़ी कला है वो मुगल कला के बाद हम लोग एक तरह से देखते हैं और आप इस दक्षिणी कला के बाद उसी को पढ़ोगे भी, यानी पहाड़ी कला को पढ़ोगे भी। इसके अलावा बेटा 1687 में कुतुब शाही राजवंश के विलुप्त होने तक दक्षिणी शैली अस्तित्व में रही,
ठीक है, यानी जो इसका लास्ट शासक था किसका, दक्षिणी शैली का, उनका नाम था कुतुबशाही राजवंश के शासक थे वो। अब विषय क्या थे जो मुगल चित्रकला, वो आपको कितनी बारी पता है कि कौन कौन से, तो उसमें दरबारी चित्र सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा दृश्य चित्र जिनको हम सभी चित्र बोलते हैं, सभी एक तरह से पोर्ट्रेट चित्र जिनको हम बोलेंगे, सभी मतलब जैसे आज की डेट में अगर हमको हमारी फ़ोटो चाहिए तो हम फोटो खिंचा लेते हैं जाकर के पासपोर्ट साइज़, तो वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को ही एक तरह से सभी चित्र, व्यक्ति चित्र या दृश्य चित्र बोला जाता था। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे मुगल दरबार में ये दृश्य चित्र। और दरबारी चित्र मैंने आपको बता दिया, जो राज दरबार के जो चित्र होते थे दरबारी शानो शौकत को दिखाते थे उनको हम अदालती चित्र बोलते हैं, और घटनाएं जो उस समय घटनाएं होती थी उन पर आधारित कुछ दृश्य चित्र बनाए जाते थे। साथ ही प्रेमियों को चित्रित करने वाले चित्र भी मुगल दौर में बने हैं, लड़ाइयों के चित्र बने हैं, और कुछ पौराणिक घटनाओं पर आधारित जो कि एक तरह से भारतीय कला का प्रभाव है वो भी इसमें देखने मिलता है। शिकार के दृश्य, वन्य जीव, शाही जनजीवन विषयों के आसपास ही जो है, इन्हीं विषयों के आसपास ही मुगल चित्रकारी एक तरह से घूमती रहती है। दक्षिणी चित्रकला शैली में नारी आकृतियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा नारी आकृतियों का चित्रांकन हुआ है, खगोल विद्या पर आधारित चित्र बने हुए हैं, चमकदार चेहरे बने हुए हैं, दरबारी दृश्य भी यहाँ पर बनी हुई हैं, बेल बूटे बने हुए हैं, मुखाकृति मतलब चेहरे का चित्रांकन बहुत अधिक मात्रा में दक्षिणी शैली में किया गया है। तो ये थे मेजर तीन डिफरेंस किसमें, दक्षिणी कला शैली में और मुगल कला शैली में। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिण के दरबारी चित्रों में शाही प्रतीक कौन कौन से हैं। तो दक्षिण के शाही प्रतीकों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला है शासक जो है सिंहासन पर बैठे हुए, ये एक प्रतीक है। इसके अतिरिक्त दूसरा है शासक के हाथ में एक विशिष्ट रूप से लंबी सीधी दक्षिणी तलवार का होना। एक तो शासक को सिंहासन पर बैठे होना, एक उसके हाथ में तलवार होना। तीसरा विशिष्ट शाही पोशाक जिस पर विशिष्ट कसीदाकारी बनी हुई हो, मतलब एक शाही पोशाक उन्होंने पहनी हो जिस पर कसीदाकारी मतलब कढ़ाई हो रखी हो। इसके अलावा शाही मेहमानों का मनोरंजन कृति नृत्यांगनाएं, फर्श पर बारीकी से बनाए गए डिज़ाइन वाले गलीचे, मतलब जो भी चित्र बना है उसके फर्श पर गलीचे जरूर दिखाए गए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है शासक के सर के पीछे आभा मंडल को इन लोगों ने दिखाया है। आभा मंडल बेटा होता है प्रकाश पुंज, जो कि ऐसे हम लोग अपने देवी देवताओं के पीछे ऐसे प्रकाश देखते हैं ना, गोल आकृति, ये एक तरह से राजस्थानी शैली का प्रभाव था जो कि मुगल कला में भी देखा गया है। तो ये वाला चिन्ह जो कि देवत्व को दिखाता है ये भी दक्षिणी कला शैली में देखने मिलता है हमको। इसके अलावा पोलो बहुत ज़्यादा फेमस था दक्षिणी शैली में, तो पोलो गेम पर आधारित चित्र बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं दक्षिणी कला शैली में। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो प्रतीक चिन्ह जिसको बोला जाएगा दक्षिणी कला शैली के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आपसे पूछा गया है, दक्षिण में चित्रकला के कौन से कला केंद्र थे। तो मुख्यतः तीन कला केंद्र थे, चौथा हैदराबाद भी काउंट हो जाता है इसके अलावा, और बाकी सारे छोटे छोटे थे। तो जो वो तीन फेमस थे वो थे बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर। इसके बाद चौथे नंबर पे हैदराबाद भी, कहीं कहीं पे हम लोग चार कला केंद्र भी देखते हैं फेमस, और इसके अलावा ये पूना, कडप्पा और शेरापुरा जिसको हम गुलबर्ग भी कहते हैं, वो एक तरह से छोटे कला केंद्र थे जहाँ पर दक्षिणी कला से संबंधित चित्र बने हैं। तो बेटा ये थे कला केंद्र, और बाकी ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दक्षिणी कला शैली पर। उम्मीद है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। आशा करती हूँ बेटा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। तो मेरी वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर करना है। इसी के साथ ही साथ चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।